बाय मॉलिक्यूल का होगा, वही सोच रहा हूँ संडे को करा दूँ। बाय मॉलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सारा। तो ठीक है, प्री संडे को तो प्री ब्लॉक की भी क्लास है, मैम कह रही थी लास्ट ब्लॉक क्लास नहीं, है। नहीं प्री ब्लॉक खत्म हो जाएगा, चांसेस है। ठीक है, चांसेस है, खत्म ही हो जाएगा। हाँ, नहीं, छोड़ेंगे तो नहीं, इतना जल्दी तो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे हाइंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो ये प्रिंसिपल किस लिए आया था, कि ये बोलता था ना, एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग नहीं फाइंड कर पाते थे। ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन जो है हम लोग को अगर कोई बोले तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। ठीक है ना, एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगा, एग्जैक्ट मोमेंटम क्या होगा, है ना, इसका थोड़ा सा इशू आ रहा था। क्यों आ रहा था, क्योंकि सपोज करो कोई फास्ट बॉडी मूव कर रहा है ना, कैसे, ये देखो, सपोज करो आप जो है दिल्ली के रोड पे घूमने गए, है ना, रोड पे घूम रहे हो ऐसे। ठीक है, आप यहाँ पे मार्केट में निकले हो और काफी दूर जा रहे हो, रोड पे चलते जा रहे हो ऐसे, और आपने देखा कोई एक बाइक से, है ना, लोग यहाँ से जा रहे हैं बाइक से, है ना, तो आप लोग ये बताओ तेजी से बाइक आपसे पार हो गया यहाँ पे, है ना, कोई गाड़ी है, कार ही ले लो, है ना, कार ही ले लो, है ना। ठीक है, कोई गाड़ी है जो बहुत तेजी से आपसे दूर चला गया। ठीक है, आपने क्या किया, आपने कैमरा उठाया और उस कार का फोटो खींचा। तो आप ये बताओ, हम जो फोटो खींचे हैं, कि फोटो जब आप क्लिक करोगे उस पार्टिकुलर एक पोजीशन होगा ना, हमेशा तो नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे ना हम लोग। ठीक है, तो जब भी आप फास्ट मूविंग बॉडी मूव करेगा ना आप, तो हम लोग एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट मोमेंटम दोनों एक साथ नहीं कर पाते हैं, दोनों एक साथ नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, है ना। तो उसी को यहाँ पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग चेंज में कैलकुलेट करेंगे, है ना। एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता चल जाएगा, एग्जैक्ट एक्स नहीं फाइंड कर सकते हैं, एग्जैक्ट मोमेंटम फाइंड नहीं कर पाएंगे हम लोग, है ना, एग्जैक्ट एनर्जी भी फाइंड नहीं कर पाते, है ना। तो इस फिर हम लोग कैसे क्या फाइंड करेंगे आखिर, अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर पा रहे तो फिर हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग चेंज फाइंड करते हैं, क्या, अनसर्टेनिटी वैल्यू, अनसर्टेन वैल्यू जो होगा वो हम लोग फाइंड करते हैं, जैसे डेल्टा एक्स, डेल्टा पी, चेंज फाइंड करेंगे हम लोग, एग्जैक्ट एक्स और पी की वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर पाते, है ना, यही लिखा हुआ है ना। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, मोमेंटम पी इज इक्वल टू एम बी होता है, पी इज इक्वल टू एम नहीं, बी, ऐसे नॉर्मल नोटिफिकेशन। है ना। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम बी होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी की जगह पे क्या लिख लेंगे आप लोग, एम बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है ना, तो मास तो हम लोग कैलकुलेट ही कर पाते हैं ना, तो मास में कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, तो मास में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो मास एम बार आ जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी इज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, डेल्टा पी और डेल्टा एक्स के, है ना, नेक्स्ट जो है डेल्टा एक्स और डेल्टा वी के फॉर्म में। ठीक है, तो दोनों रिलेशनशिप आपको आइडिया होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है बताओ, व्हाट इज डेल्टा एक्स, चेंज इन पोजीशन है ना। ठीक है, चेंज इन पोजीशन बोल सकते हो, और हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनसर्टेन पोजीशन। ठीक है, ठीक है, अनसर्टेन अनसर्टेन पोजीशन हो गया, और डेल्टा पी क्या हो गया, अनसर्टेन वेलोसिटी हो गया, है ना। ठीक है, ओके, अब देखो आप लोग, अनसर्टेन पोजीशन हो गया, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इन पोजीशन, है ना, सिमिलरली अनसर्टेन इन मोमेंटम, सिमिलरली अनसर्टेन इन वेलोसिटी, है ना, अनसर्टेन वैल्यू, चेंज वैल्यू, है ना। ठीक है, कुछ तो एरर आएगा ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग कुछ तो एरर वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना, एरर मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, है ना। अब जैसे हम लोगों ने दो फॉर्मूला यहाँ पे डेराइव किया ना हम लोगों ने, कौन कौन से वाली, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई,
सेकेंड क्या है हमारा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इंटू एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो दोनों फॉर्मूला आप लोग याद रखना। अब हम लोग डेराइव करने वाले हैं क्या एनर्जी के फॉर्म में। तो एनर्जी हम कैसे निकालें यहाँ से बताओ, क्या हम लोग डेल्टा टी से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, हाँ या ना? अगर हम लोग चेंज इन टाइम या अनसर्टेन इन टाइम डेल्टा टी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, कौन सा इक्वेशन, ये वाला, इस इक्वेशन को या ये वाले को, किसी को कर सकते हो ना। तो इक्वेशन नंबर 1 में आपको क्या करना है, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है हमें, है ना। तो आ जाओ सभी लोग, ठीक है। जैसे आपके पास है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। मैं क्या बोल रहा हूँ कि डेल्टा टी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है आपको। तो डेल्टा टी इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी फाइन ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, है ना। इसमें दिक्कत किसी को बोलो, नो सर, किसी को दिक्कत नहीं है ना, है ना। ओके अब आप लोग ये बताओ, किसी को कुछ दिख रहा है यहाँ पे? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी एनर्जी होती है। सोच लो, किसी को कुछ दिख रहा है? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी होती है, एनर्जी होती है। फिजिक्स का फॉर्मूला है ये, तो ये तो आपको आना चाहिए ना। फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला पढ़े हो? फोर्स बोलो, फोर्स का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हो कि नहीं, बताओ, ये बताओ। यस हाँ, फाइनल आएगा, फाइनल हरिओम वही आएगा, एनर्जी इनटू टाइम ही आएगा। ओ सही हो, लेकिन फाइनल वही आएगा, फाइनल ठीक है, लेकिन यहाँ से कैसे डिराइव कर रहा है वो मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। बोलो ये क्या है, डेल्टा पी अपन डेल्टा टी क्या होता है, ये बताओ। फोर्स बस हो गया, यही तो पूछ रहा था मैं, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा एफ, अब ध्यान से देखना, एफ इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। और ये क्या है? वर्क डन तो वर्क डन ही क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एनर्जी हो जाता एनर्जी। है। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो आपको प्रूफ ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, प्रूफ ध्यान नहीं रखना है आपको, ये फाइनल इक्वेशन जो है ये ध्यान रखना है ना, ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में। तो 3 इक्वेशन हो गया हमारा, ठीक है। फर्स्ट क्या था, डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। सेकेंड क्या था, एम इंटू डेल्टा एक्स, क्या था, एम इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। थर्ड इक्वेशन क्या हो गया, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। ये डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, है ना। 3 इक्वेशन है, क्वेश्चन में जो बोलेगा उसके अनुसार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और एक चीज और यहाँ पे नोट में लिख लेना, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो ध्यान से याद रखना आप लोग। कभी कभी क्या होगा ना, आपको परसेंटेज दिया जाएगा, ठीक है, परसेंटेज वैल्यू मेंशन रहेगी कि 0.0% एरर है, ऐसा कुछ। तो अनसर्टेन वैल्यू जो कैसे निकालोगे उस समय, और अनसर्टेनिटी वैल्यू जो हो जाएगी हमारी, एक तो एग्जैक्ट वैल्यू मेंशन रहेगा, एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू इंटू एरर, या वहां पे लिखा रहेगा एक्यूरेसी, कुछ भी मेंशन हो सकता है परसेंटेज में, याद रखना, ठीक है। सर एक एग्जांपल दे देंगे ऐसे एक क्वेश्चन। आएगा आएगा, सब आएगा, ठीक है, ओके। तो ये ध्यान रखना, है ना। तो इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, है ना, फाइन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में ये रहा, और ये आया है 2009 में, और जो परसेंटेज का बात, ये देखो आ गया, हमें पता है ना आप लोगों को कहाँ डाउट आएगा, सब पता है ना? और सभी लोग ट्राई करो आंसर क्या है जल्दी, फॉर्म ऑन फास्ट विद इन 1 मिनट मैक्स टू मैक्स।
एक मिनट के अंदर, जल्दी 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 जल्दी। और एक चीज ध्यान रखना, एक चीज जो है काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा यहाँ पे यूनिट SI यूनिट में लिखना, मास जो है KG में, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। कम ऑन जल्दी जल्दी, आपको निकालना क्या है ये, आप क्वेश्चन से पढ़ो, पोजीशन निकालना है ना। डेल्टा एक्स निकालने यस, डेल्टा x निकालना है यहाँ पे, है ना, बाकी सारी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। सर, एक एक्स अपॉन सेकंड फोर पाई की कोई वैल्यू नहीं है कैलकुलेट करके। है, लेकिन है एच अपॉन 4 पाई का वैल्यू होता है, लेकिन आप लोग एच अपॉन 4 पाई का वैल्यू हो जाता है आपका 0.53 × 10⁻³ आता है, ठीक है, हो गया, आप खुश, हैप्पी हैप्पी, ठीक है। लेकिन आप लोगों को कैलकुलेट कराना था ना यहाँ पे, आपने पहले ही पूछ लिया, दिस इज नॉट फेयर, ये तो बताते हैं हम बाद में, कैलकुलेशन से आप लोग भागो मत, है ना। चलो कितना आया आप लोग का, जल्दी जल्दी। और कैलकुलेशन करते वक्त कैलकुलेटर यूज मत करो आप, जो भी लोग कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो यूज करना है तो हम छोड़ दें, है ना, ऐसे छोड़ दें जैसे कोई पूछे डू यू नो व्हाट इज कैलकुलेटर, आप बोलो पता नहीं क्या है, आज तक सुना ही नहीं ना, ठीक है, ऐसा हो जाना चाहिए। हाँ आया, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, ओ कम ऑन, 1 मिनट हो गया हमारा। देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये तो आ गया, आया ना आप लोग को, क्या यस सर, डेल्टा रहेगा, एक्स एम डेल्टा वी इनटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच एक बाय जब फोर अपॉन पाई 4, हमें निकालना है डेल्टा एक्स, तो डायरेक्ट डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू बोल रहा है तो इक्वल टू कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा एच अपॉन 4 पाई × Δ V × m, है ना। अब बताओ एच बाई एम का वैल्यू तो मैंने बता दिया था, कितना था बोलो, 0.53 × 10⁻³, फाइन, डिवाइडेड बाई डेल्टा वी इंटू डेल इंटू एम, है ना, तो यहाँ पे एम दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का मास, है ना, जीरो। तो 9.1 × 10⁻³ kg में लेना, हर चीज ध्यान रखना। और डेल्टा वी, व्हाट इज डेल्टा वी ओवर हियर, टेल मी, डेल्टा वी क्या हो जाएगा, 600 × 0.005% है, तो परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100, तो कितना वैल्यू आ रहा है यहाँ से, थर्टी 0.03 जीरो यस, यहाँ से आ जाएगा 0.03, तो ये हो जाएगा 0.03, तो यहाँ कैलकुलेट करोगे कितना आया डेल्टा एक्स, आपका आंसर आ जाएगा ना यहाँ से, ठीक है, आगे चले हम लोग, बोलो आगे सर, चलते हैं ना, इसका मतलब क्या है? 1 मिनट बता दीजिए किसका सर, एक्यूरेसी जो हमें दे रखी है। एक्यूरेसी, मतलब देखो एक अनसर्टेनिटी पोजीशन था ना वहां पे, यहाँ पे क्या है अनसर्टेनिटी पोजीशन, वेलोसिटी स्पीड, हमें एग्जैक्ट स्पीड नहीं पता है उसका, तो हम लोग मानते हैं चलो आपको ना महसूस हुआ कि जो आदमी पार किया बाइक से ये 90 किलोमीटर/hr से गया होगा या 90 अपने, और बट आप श्योर नहीं हो, आप एग्जैक्ट श्योर नहीं हो, नहीं, 600 से गया ही होगा, अब इतना आपके अंदर श्योरिटी नहीं है, तो वही कुछ एक्यूरेसी मान लो कि कुछ परसेंटेज होगा उसी को मल्टीप्लाई करते हैं, सर,
हाँ सर जैसे ये एक्यूरेसी अलग से ना देके, बल्कि जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे 5 ± 0.5, मतलब ऐसे करके जब ना ऐसे नहीं वो देगा। समझ, ना 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 वैसे भी देगा तब भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। वो आप फिजिक्स में घुस गए, ठीक है, वो अच्छा तो उतना ठीक नहीं जाएगा, वो फिजिक्स में आता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, याद आया, एक्यूरेसी है। यस सर निकालने के लिए, और यहाँ पे नहीं आएगा, सर ठीक है। वो फिजिक्स हम में अनसर्टेनिटी निकाल रहे हैं तो एक्यूरेसी से क्यों मल्टीप्लाई करा रहे हैं? एक्यूरेसी से इसलिए क्योंकि अनसर्टेनिटी वैल्यू निकाल रहा है ना, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू दे दिया ना, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू बोल दिया, ये तो 100 में से माइनस करना चाहिए था ना मैं एक्यूरेसी को, 100 तो में से सर माइनस, अनसर्टेनिटी आती है। अच्छा नहीं, माइनस होने से नहीं करना है यहाँ पे, वो फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट ना लगाओ यहाँ पे, सर ये यहाँ वैल्यू पे तो अलग हम लगाए। खुद लिखें क्या, मॉडिफाई वगैरह करके, मतलब ये पुट करें यहाँ पे हमने h/4π डेल्टा v/m की। हाँ ये कैलकुलेटेड वैल्यू बताया मैंने, याद अच्छा रखना आप लोग, मतलब एच अपॉन 4π का कैलकुलेटेड वैल्यू है 0.53, या अपने भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। 4 × 3.14, एच का वैल्यू पता है 6.626 × 10⁻³, तो वहीं से ही आया हुआ है, ठीक है। ठीक है आपको मल्टीप्लाई करना होगा, वो वाला मत लगाना प्लस माइनस वाला, ठीक है, वो अलग चीज़ है, यहाँ पे ये अलग है ना, ठीक है। आगे चले हम लोग, बोलो, नो डाउट, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। सर इसमें भी केजी में ही लेना है मास। हाँ केजी हमेशा ध्यान रखना, ये ग्राम दिया है, ग्राम में मत यूज करना, एसआई यूनिट यूज करते हैं अनसर्टेनिटी में, हमेशा याद रखना, ग्राम में नहीं केजी में। यहाँ पे भी क्या निकालना है, स्पीड आपको देखो दिया हुआ है, डेल्टा एक्स ही मिलेगा। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी पोजीशन डेल्टा एक्स निकालना है यहाँ पे, सेम सेम कॉन्सेप्ट लगेगा ऊपर वाला ही जैसा, इसमें है ना, मैं ऊपर जैसा ही लगेगा, क्या था हमारा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4π × m × डेल्टा भी, ठीक है। और डेल्टा भी क्या है, डेल्टा भी दिया हुआ है एग्जैक्ट वैल्यू इंटू एक्यूरेसी इंटू 2% / 100, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका वैल्यू डेल्टा भी, तो डेल्टा भी आप पुट कर देना, एम आपको पता है क्या दिया हुआ, एम आपको 100 ग्राम दिया है, बस केजी में कन्वर्ट कर देना इसको, ग्राम में नहीं इंटू केजी, केजी में लिखना वैल्यू यहाँ पे, है ना, मास जो होना चाहिए केजी में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है ना, ठीक है। किसी को डाउट है, ठीक नो है, सर डिवाइड बाई 1000 कर लेना केजी में, मास शुड बी इन केजी, ग्राम में नहीं, गलती कर दोगे ना, ओके। और हाँ तो हो गया सारा, ठीक है, तो वैल्यू जो आएगा वही हमारा आंसर आएगा, है ना, ठीक है, जो वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, नोट में यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे लिख लो नोट में, क्या ऑलवेज यूज एसआई यूनिट, ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्राई करो, ये भी आया पी वाई क्यू है क्वेश्चन, जल्दी 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 जल्दी, एक्यूरेसी दिया हुआ है क्या, वेलोसिटी का, ओह माय गॉड, ये भी डेल्टा एक्स सेम सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे चले हम लोग, यस सर ये जी है, समझ गए ना आप लोग क्या करना है, डेल्टा भी याद रखना है, इसे क्या यस सर करेंगे हम लोग, वेलोसिटी 300 × एक्यूरेसी कितना है 0.001/100, मास आपको दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ दिया हुआ है 9.1 × 10⁻³, और एच अपॉन 4π का वैल्यू पता ही है आपको, डेल्टा एक्स आपने निकाल देना है बस, ठीक है। हमें बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4π डेल्टा वी इंटू एम, बस, तो यहाँ से आपको आंसर आ जाएगा, है ना, ठीक है ठीक है। आए चलते हम लोग, है ना, नेक्स्ट ये क्या है, ओहो ये भी जी है, सेम सेम पैटर्न पे है ना, समझ गए आप लोग, अनसर्टेनिटी डेल्टा भी दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है, समझ गए ना आप लोग यहाँ पे कैसे होगा ये, यस है ना, किसी को डाउट तो नहीं नो है ना, यहाँ पे बोल लो, सर क्लियर है। ठीक है ना, डेल्टा भी निकाल देना 0.1 × क्या दिया हुआ है 10⁻100, और मास देखो ग्राम में दिया हुआ है, तो ग्राम में डोंट यूज इन ग्राम, चेंज इनटू केजी,
केजी में कन्वर्ट कर देना तो एम क्या हो जाएगा हमारा, 200 डिवाइडेड बाई 1000, तो केजी में आ गया मास। और हमारा डेल्टा एक्स इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई डेल्टा v इंटू m, ठीक है, क्लियर है ना। तो जब भी आप जेई मेन का भी पेपर देने जाओगे तो क्वेश्चन दिखेगा, आपको लगेगा तो ये क्वेश्चन जल्दी बनेगा, तो ठीक है उसी को पहले अटेम्प्ट करना है ना, देखने से लग गया ये जल्दी बनेगा, है ना। यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, वैसे आगे आएगा ये भी, है ना, आगे हम जब पढ़ेंगे ना, सर आज चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे ना आप? आज मान के चलो इंड हो जाएगा, केवल ग्राफ बच जाएगा जो जेई एडवांस के लिए है, तो नेक्स्ट क्लास में उसको कवर कर लेंगे और केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, सिर्फ मेन्स टॉपिक कर लें तो ठीक होगा या एडवांस के लिए भी साथ में करना? क्योंकि यहाँ पे एक ग्राफ आया था जो एक बार पूछ लिया था वो लोग ग्राफ, ठीक है, ऐसा ग्राफ पूछ दिया था ना, पूछा था ना PY की में आ गया, तो बस केवल ग्राफ देखेंगे, ग्राफ। हाँ बोलो, हाँ एस, एस हाँ ASP का केवल ग्राफ देखेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं पूछता वो लोग, ज़्यादा डिटेल जब ओके जब एडवांस का पढ़ेंगे ना वहाँ पे, ठीक है, ग्राफ केवल देखेंगे तो 15-20 मिनट का होगा, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म, ठीक है। तो ये वाला फिर से आएगा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एटम जो है फिर से आएगा जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है, ओके, तो ये ध्यान रखना फिर से आ जाएगा। तो ये सारा वैल्यू पता है ना, साई, साई क्या है, साई कुछ नहीं बताता, लेकिन साई स्क्वायर बताता है, क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान तो रखना, ठीक है। साई से ये इक्विवेलेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग का मतलब ये हुआ कि सपोज करो आप ना किसी पूछो कि आप ये बताओ कहाँ पे हमें मैगी की दुकान मिलेगी, है ना, आप किसी से, आप ना कहीं पे नए नए गए हो, है ना, और सर? आपको आइडिया नहीं है, आप चले गए मान लो USA, है ना, ठीक है, सिलिकॉन वैली में आप घूम रहे हो, आपको पता नहीं कहाँ मुझे मैगी मिलेगी, तो आपने क्या पूछा, किसी से पूछ लिया आपने, ये बताओ यहाँ मैगी कहाँ मिलेगा, वो बोलेगा आगे जाओ उधर बहुत दुकान है, इधर जाके उधर जाओगे तो बहुत दुकान मिलेगा, तो वो जो बता रहा है आपको यहाँ से इधर जाके वहाँ पे बहुत दुकान मिलेंगे, इसका मतलब वो क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी बताता है कि कहाँ जैसे, पे हमें दुकान हाँ मिलेगी हाँ इलेक्ट्रॉन ठीक है ना, तो ये भी क्या बोलेगा कि वहां पे जाओगे तो बहुत दुकान मिलेगा, तो ये आपको बता दिया ना कि जहाँ पे आप अभी हो यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, की? ओके आपको 2-3 किलोमीटर चलोगे तब आपको वहां पे मार्केट आएगा और आप मैगी ले लोगे और खा लोगे, है ना, खुशी खुशी घर आ सर जाओगे, यस सर ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ पे भी है, तो ये बताएगा ना कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग जो है कहाँ पे, क्या मैं लेफ्ट जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा कि राइट जाऊंगा तो मिलेगा ज्यादा मिलेगा, या मैं और अंदर आऊँ तो मिलेगा, है ना, प्रोबेबिलिटी बताता है ना, यस ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, है ना, है ना। सर। और XYZ जो होता है ये फिर से आएगा, ये फिर से आने वाला है जब मैं ग्राफ बताऊंगा, XYZ क्या है, कार्टिसन है ना, आगे आएगा, एनर्जी है, पोटेंशियल है, आगे आएगा, ठीक है, अभी के लिए ध्यान रखो बस, ठीक है। मास ऑफ एम क्या है, मास ऑफ, नहीं, नो 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 नो, बस इतना ध्यान रखना है, ना ना, ठीक है, कुछ कुछ याद नहीं रखना, बस ध्यान रखना कि ये इक्वेशन होता है बस, और XYZ क्या है, कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये अभी फिर से आएगा, ठीक है, अभी के लिए बस देख लो, फिर से आएगा कल, है ना, एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, फिर से आएगा, है ना, उसके बाद ही ग्राफ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, एस का, पी का, है ना, 1S 2S का ग्राफ, ठीक है, क्लियर है, बस इतना ध्यान रखने के लिए, या मैंने यहाँ पे बता दिया ना, ऑर्बिटल क्या है, प्लेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ऑर्बिटल किसको बोलते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिले, है ना, ठीक है, यस चलो, है ना। तो अब हम नेक्स्ट जो है जो इम्पोर्टेंट है क्वांटम नंबर, है ना, क्वांटम नंबर आपको पता है बचपन में ही पढ़े होगे, पढ़े होगे नहीं, जब आप छोटे हो गए, है सर 11th में ना, पढ़ा था बचपन हाँ ठीक है। देखो चार टाइप का क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल, एजुमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है ना, इससे सवाल पूछा गया है क्वांटम नंबर से, ठीक है, तो फर्स्ट जो है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, आपको बताओ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दो चीज बताता है, आपको ध्यान रखना है, एक तो साइज बताएगा, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
और आपको दूसरा बजाय का एनर्जी, बस काम खत्म। ठीक है, साइज एंड एनर्जी है ना, अगर एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, क्या है? एनर्जी लेवल है ना, जैसे के एल एम एन ओ पी क्यू, याद आया बचपन में क्लास 9 10th में पढ़े हो गए, है ना, वही है। ठीक है, चलो याद क्या रखना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक तो साइज बताएगा, दूसरा एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट का साइज एंड एनर्जी बताता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, 1 sp2 है तो sp, 3 spd, 4 हो गया तो spdf। ठीक है, अब ये फॉर्मूला याद रखना कि एक फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए nth सेल, कितना ऑर्बिटल होगा उसके लिए n2। तो ऑर्बिटल तो निकाल लिया आपने, अब पूछेगा कि कितना इलेक्ट्रॉन है, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 × n² हो जाएगा। समझ गए आप, सेल में कितने ऑर्बिटल है, ये सेल हुआ, सेल के अंदर आता है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर आता है हमारा इलेक्ट्रॉन, है ना, समझ गया, ये सेल हुआ, सेल के अंदर आता है ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर आते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। कोई आपसे पूछेगा कहाँ रहते हो, आप क्या जवाब दोगे, दिल्ली, फिर बोलोगे ठीक है दिल्ली तो ठीक है, लेकिन दिल्ली में कहाँ, तो सेल हो गया हमारा दिल्ली, फिर बोलेगा दिल्ली में कहाँ, बोलोगे हम तो रहते हैं पश्चिम बिहार, है ना, तो पश्चिम बिहार, ये क्या होगा ऑर्बिटल। कितने लोग रहते हो आप लोग, सो मॉम डैड भाई बहन, 4 भाई 10 भाई, है ना, ठीक है जितना है बता दो, है ना, समझ गए आप लोग, है ना, क्लियर है, इसमें क्या है डिफरेंस, सेल्स ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है ऑर्बिटल में। ठीक है, अब आगे आ जाओ, नंबर ऑफ सेल कैसे फाइंड करोगे, नंबर ऑफ सेल इन नंबर ऑफ ऑर्बिटल n² और इलेक्ट्रॉन कितना है 2 n², है ना। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला ध्यान रखना आप लोग, दोनों n² एंड 2 n². नेक्स्ट जो है हमारा एजुमुथल क्वांटम नंबर, ये किसके लिए होता है जल्दी बताना, एजुमुथल क्वांटम नंबर किसके लिए होता है बोलो, सबशेल शेप, है ना, या शेप एंड स्ट्रक्चर बोल सकते। ठीक है, शेप, शेप ऑफ किसका, ऑर्बिटल या सबसे। ठीक है, ठीक है ध्यान रखना, और एल कैसे फाइंड करोगे, एजिमुथल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय एल, तो एल इज इक्वल टू n-1, ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं ना, और एल की वैल्यू क्या होती है, कहाँ से कहाँ जाएगी, 0 to n-1 ये ध्यान रखना, रेंज, रेंज याद रखना, है ना। अब कुछ चीज़ें जो है आपको एकदम ध्यान रखना चाहिए, है ना, बचपन से ही आपको पता भी होगा। अब आप लोग ये बताओ, एल की वैल्यू, ये एल है हमारा, 1 नहीं है, है ना, जिसको 1 दिख रहा है तो ध्यान से देखिए ये एल है ना, कि क्या है हमारा एल, एच सबसेल के लिए l 0 होता है, पी के लिए 1, डी के लिए 2 एंड एफ के लिए 3, ये एल की वैल्यू होती है ना। और देखो वैसे पूछा नहीं जाता है कि एस क्या है, पी क्या है, व्हाट इज पी, व्हाट इज डी, व्हाट इज एफ, देखो लेकिन बता दे रहा हूँ, आज तक कोई पूछा नहीं है, लेकिन कोई आपके दोस्त पूछ ले व्हाट इज एस, है ना, तब आप जवाब देना शार्प, क्या होता है शार्प, व्हाट इज पी, पी क्या होता है प्रिंसिपल, है ना, कोई नहीं पूछेगा ये सब, ठीक है, बस नॉलेज के लिए ध्यान रखना, बस प्रिंसिपल। डी क्या है हमारा बोलो, फुल फॉर्म है कैसा इनकी? हाँ डिफरेंट फुल फॉर्म है ना। एफ क्या है, फंडामेंटल, फंडामेंटल ये कोई नहीं पूछेगा, पूछेगा क्या एस का शेप कैसा होता है, अब ये पूछा जाएगा स्फेरिकल, स्फेरिकल फर्निचर डम्बल लाइक फिर फ्लावर लाइक ये हो गया हमारा स्फेरिकल। पी कैसा होता है, डम्बल डी कैसी होती है, डबल 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 है, डबल डम्बल। ठीक है, ठीक है डम्बल लिख देना, है ना, और एफ कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स।
ये पूछा जा सकता है, लेकिन ये तो बस होता है ना एक्स्ट्रा नॉलेज, थोड़ा सा जान जाओ बस, ठीक है, उसके लिए ये कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, ये वाला, ये शेप है, ठीक है, स्पेरिकल होता है, ये डबल डम्बल होता है, डी होती है हमारी डबल डम्बल, और एफ होता है हमारा कॉम्प्लेक्स, ये पूछा जा सकता है ना। अब आते हैं हमारे, कैसे आप फाइंड करोगे कितने ऑर्बिटल होंगे अगर आपके पास एजमुथल क्वांटम नंबर दिया हो। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल कैसे फाइंड करोगे, 2l+1, 2l+1 ये इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करोगे, ट्वाइस 2l+1, बस इलेक्ट्रॉन हमेशा ट्वाइस कर देना बस, है ना, क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना, इसलिए फाइन। और सर फॉर्मूला एंसर का फॉर्मूला लिख देता फिर कौन सा, एन स्क्वायर का, एन स्क्वायर का मतलब, एन स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, फिर अभी एक बार बॉक्स लेता। ऑर्बिटल के लिए ही था जब आपको एन की वैल्यू पता हो। अच्छा एन से ऑर्बिटल्स निकालने तो एन स्क्वायर कर दो, लेकिन अगर आपको एल पता है तो 2l-1 कर लो। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो आगे चले हम लोग। ये सेल से निकाल रहे हो, ये सब सेल से निकाल रहे हो ना, याद है ना, एन सेल था, एल सब सेल है, ठीक है, ये अंतर है थोड़ा सा, ठीक है, ओके। चलो एन हमारा सेल था, एजमुथल क्वांटम नंबर जो आप लिख रहे हो SpDF, ये सब सेल है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सब सेल से निकाल रहे थे, वहाँ पे हम लोग सेल से निकाल रहे थे, ठीक है, इसलिए एन आ रहा था, एन हमारा सेल है, एल क्या है हमारा सब सेल, एजमुथल क्वांटम नंबर है, सब सेल क्या हुआ SpDF, है ना, और पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तीन, डी में कितने होते हैं, पांच, याद है ना, एफ में कितने होते हैं, सात ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये क्या बताता है बोलो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताएगा, शायद इलेक्ट्रॉन की क्लॉकवाइज या ओरिएंटेशन, एंटी क्लॉकवाइज, शायद ओरिएंटेशन बताता है, वो ओरिएंटेशन बता, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या, कौन ये थोड़ी बताएगा आपको, तो स्पिन क्वांटम नंबर बताता है ना। ये बताता है ओरिएंटेशन, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैं लिख रहा हूँ ना ये रेड में, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ये ध्यान रखना है, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, द ऑर्बिटल, ठीक है, या बोल सकते हो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या बोल सकते हो, कि इधर इलेक्ट्रॉन हमारा प्रेजेंट है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। और हमारा एम जो है, एम कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -L to L, कहाँ से, इसको हम लोग छोटा एम एल लिखते हैं, ये कहाँ से कहाँ लाई करेगा, इसका रेंज क्या है, -L to +L, ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो, जीरो ऐड होगा ना, ठीक है। अब कुछ चीजें आप लोग ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान से सुनना है ना, अब एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक, एक सबसेल में एक ही ऑर्बिटल, हाँ या ना, यस हाँ, तो यहाँ पे एस में एम भी जीरो होता है और हमारा एल भी जीरो होता है। अब आ जाओ पी में, पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तीन, थ्री थ्री तीन होते हैं, है ना, और एक चीज बस ध्यान रखना आप लोग, याद रखना है ना, क्या ये जो जीरो है ना, ठीक है, जब वन होता है तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम एल क्या हो जाएगा, -1 to +1, तो एम कितना रेंज हो जाएगा, एम जो होगा हमारा -1 0 +1 हो सकता है ना, तीन, ठीक है, एम एल की वैल्यू तीन है, इसलिए हमारा तीन ऑर्बिटल होगा पी में। अब आ जाओ, अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट किया, तो ये हमेशा याद रखना, ये किसका होता है, पीजेड का होता है, बस ये ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा आपको, जीरो हम लोग पीजेड को असाइन करना, याद रखना बस, बाकी जो बचे पीएक्स और पीवाई, मान लो इसको आपने प्लस या माइनस पीएक्स बोल सकते हो या पीवाई, ये कुछ भी बोल सकते हो, ये प्लस एंड माइनस कुछ भी आप पुट कर सकते हो, और यहाँ पे पीएक्स या पीवाई कोई भी हो सकता है, ये आप ध्यान रखना, याद ही रखना बस। अब डी में आ जाओ, डी में कितने होते हैं ऑर्बिटल हमारे पास, 5 1 2 3 4, है ना, डी में एक चीज ध्यान रखना, जीरो वाला, जीरो यहाँ पे कौन सा होता है, DZ² कौन सा,
ये जीरो होता है यहाँ पे, एक ध्यान रखना। बीच में ही तो जीरो बना कौन सा? रहे हो, ये आप ऑर्बिटल्स में जीरो बीच में ही क्यों बना रहे हो हर बार? ये रिप्रेजेंटेशन है। नहीं, जीरो हमेशा किसको करना है साइन? जेड स्क्वायर को। जैसे यहाँ पे पी जेड को जीरो किया है आपने, तो डी में डी जेड स्क्वायर को ही जीरो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। बाकी जो बच गया, जैसे डी में क्या है, +1 -1 +2 -2 है ना, तो इसमें आइदर +1 लिख सकते हो या तो -1, यहाँ पे +1 लिख सकते हो या तो -2, कुछ भी लिख सकते हो, है ना, ठीक है। +1 -1, तो दोनों प्रोबेबिलिटी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ भी आप एक लिखोगे, समझ गए ना। अगर सबसे लेफ्ट साइड में -2 लिखा हो तो सबसे राइट साइड में क्या हो जाएगा, +2, समझ गए ना आप। ध्यान रखना ये सब, है ना। यस सर, हाँ, और इन चारों में कोई भी हो सकता है, फाइन, इन चारों में कोई भी हो सकता है, ठीक है। दिक्कत परेशानी किसी को नहीं ना, ओके बस जीरो वाला याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। स्पिन क्वांटम नंबर, ये किस कैसे डिनोट करते हैं, ये क्या बताता है? स्पिन स्पिन ये बताता है इलेक्ट्रॉन जो है हमारे किधर मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और ये हम लोग फाइंड नहीं कर पाते हैं, है ना, ये देख के नहीं बताएंगे कि ये प्लस हुआ है या माइनस है ना, ये आपको एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है, ठीक है। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है आप याद रखना, +1/2 या -1/2 हो सकता है ना स्पिन हमारा, या तो +1/2 या -1/2, है ना। और प्लस माइनस यहाँ पे क्या बता रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, है ना। हाफ ही क्यों लिया गया, +1 भी ले सकते थे हम। प्रोबेबिलिटी है ना, एक इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, आपके पास जो है एक ऑर्बिटल है ना, मान लो ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है ना, तो दोनों ही हम लोग उल्टा ही क्यों लिखते हैं, ऐसा ही नहीं लिखते, तो ये गलत है। तो क्या होता है, एक का अगर प्लस आप है दूसरे का माइनस होगा, यही तो था ना हंट्स रूल, याद आया, हंट्स रूल है ये। चारों किसी के सेम नहीं होते। दोनों का स्पिन सेम नहीं हो सकता है, दोनों ही क्लॉकवाइज में मूव नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये हमें नहीं पता है कि ये मूव कर रहा है क्लॉकवाइज कि ये एंटी क्लॉकवाइज, नहीं सर, मैं कह रहा हूँ वैल्यूज के नाम पे +1/2 क्यों लेते हैं। हाफ ये मतलब प्रोबेबिलिटी है ना। +1 भी लेते +1 कैसे लिख लोगे बताओ, हैं, मतलब तो संभव प्रोबेबिलिटी हो गई वैसे। जैसे +-1/2 का मतलब ये हुआ टोटल 1 आना चाहिए ना, ऐड करोगे तो आप, हाँ, ये इक्वली लाइक प्रोबेबिलिटी निकल रहा होता है, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी निकल रहा है ना कि आइदर इसका आप उसका आप वैल्यू आएगा, ठीक है। और कुछ फॉर्मूला है स्पिन पे, ये आप लोग थोड़ा याद रखना, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टोटल स्पिन, टोटल स्पिन का फॉर्मूला होता है हमारा इज इक्वल टू +-1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टोटल स्पिन हो गया हमारा, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला होता है हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम, है ना, स्पिन एंगुलर मोमेंटम दिया है, नहीं लिखा है, लिख लेना यहाँ पे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये फॉर्मूला याद है सबको, भूल गए? ये क्या होता है, रूट एन एस इंटू इंटू एन प्लस एस +1 h/2π, एच अपॉन टू पाई एल टू करते थे एस की जगह हम, वैसे मतलब कैस का एस यहाँ पे स्पिन, ठीक है, प्लस आप स्पिन ये क्वांटम माइनस आप। नंबर। हाँ, एस जो होगा हमारा n/2 होती है, एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एस यहाँ पे ये है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फाइन।
यस सर, कोई क्लियर। दिक्कत परेशानी है ना। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है आपका, एक और लिख लो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी लिखना एक, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो, किसी को आइडिया है? 2s+1, ठीक है। एस आपको पता है n/2, एस क्या है हमारा, एस इक्वल टू n/2 हम लोग फाइंड करेंगे। एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, फाइन। और ना लास्ट जो फॉर्मूला है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट रूट n(n+2), एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चार फॉर्मूला, ये डी हो गया, ठीक है। तो चार फॉर्मूला आप लोग याद रखना, ठीक है, स्पिन में। चलो, सर, मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है? स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना तब कि प्लस हाफ माइनस हाफ है ना, कितना पॉसिबल है स्पिन हमारा। स्पिन क्वांटम नंबर एस जो है यहाँ पे क्या बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, बस ध्यान रखना आप लोग, है ना। पूछ दिया तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, पूछेगा भी तो फॉर्मूला बेस्ड पूछेगा, लेकिन पूछता ज्यादा इससे इसी से ज्यादा तब पूछा जाता है। ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या बताते हैं, दोबारा बताना। स्पिन मल्टीप्लिसिटी जैसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं ना हम लोग, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यही डायरेक्शन बताता है ये, क्योंकि स्पिन का अगर ये थी आप देखोगे ना, जैसे स्पिन आखिर आपको बता क्या रहा है, स्पिन लास्ट है ना हमारा क्वांटम नंबर, आप देखोगे तो स्पिन ये बताता है कि आपका बेड किधर है। आप तो रूम में रह रहे हो, आपने बता दिया दिल्ली में हो, दिल्ली में आप, उत्तम नगर में हो, उत्तम नगर मेरा घर है, लेकिन घर में किस रूम में रह रहे हो ये बताना पड़ेगा ना आपको। यस अपने फ्रेंड को बताओगे कि मैं जो है ऊपर रहती हूँ या रहता हूँ, आ जाना, है ना, ऐसे। तो वही बताता है जगह कहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे है, मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, ओके सर। किसी को डाउट, एनीवन? ठीक नो सर। है ना, ऐसा थोड़ी है कि आपको किसी कोई बोल देगा कि आ जाना मेरे घर, है ना, आपने एड्रेस दे दिया, अगर आप नहीं बताओगे और आप रूम किराए पे रहते हो तो कैसे पहुंचेगा आपके घर रूम पे, नहीं पहुंच पाएगा ना वो। तो आप बताओगे आना, उसके बाद क्या करोगे, सेकंड फ्लोर वाला बेल बजा देना, मैं, है ना, मैं आ जाऊंगा, है ना, ठीक है। तो वो क्या यही बता रहा है कि ओरिएंटेशन क्या है आपका, कहाँ पे रहते हो, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है आपका, यस ठीक है, सर। ठीक है, क्लियर है सबको, दिक्कत है, एनी डाउट, ठीक नो सर। है ना। क्योंकि स्पिन जो होता है ना, स्पिन क्वांटम नंबर लास्ट है, क्वांटम नंबर, आपका बेड किधर है, रूम किधर है, लेफ्ट में है कि राइट में है ना, ये बताता है इलेक्ट्रॉन किधर है एग्जैक्ट, उसका पोजीशन फाइंडिंग करने की कोशिश करता है वो, ठीक है ना। तो अब मान लो एक रूम है, रूम रूम नंबर बता दिया आपने, तो रूम में तो ये लेफ्ट इधर भी सोता होगा या इधर भी सोता होगा, है ना, या रूम के अंदर ही कुछ जगह होगा जहाँ वो रहता होगा, तो वो पोजीशन बता रहा है, ओरिएंटेशन क्या होता है उसकी, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करना, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज, आपको दिया है, इफ द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3, द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, बोलो, मैक्सिमम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे एन दिया गया है आपको 3, +2 नहीं, ऑर्बिटल कैसे निकालते थे एन, अगर आपको दिया हो तो एन स्क्वायर से ना, स्क्वायर। एन स्क्वायर ही ना बताएगा ना, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये हमें बताता है ऑर्बिटल, 9 ऑर्बिटल है यहाँ पे, है ना, ठीक है। ये कैसे पता चला कि यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ऑर्बिटल को बताता है, ये कैसे मुझे लग गया कि यही बता रहा होगा। तो डायरेक्ट भी कर सकता है ना, क्योंकि हमें एन दे रखा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उससे हम एजुमिथल बता सकते हैं कि 4 होंगे 0 1 2 3, तो 4 हो गए। अब प्लस
4 उधर, -4 उधर, और हम्म, 0, 9 हो गए। तो आइधर आप डायरेक्ट कर सकते हो या एजमुथल जाओ, एजमुथल से फिर मैग्नेटिक चल जाओ, समझ गए? बात बराबर है, ठीक है? कोई शॉर्टकट रास्ता होता है, कोई लॉन्ग ट्रक होता है, पहुंचना तो वही है, ए के पास, समझ गए? तो ये थोड़ा शॉर्टकट था। लॉन्ग कट क्या है आपको? एजमुथल निकालो, एल निकाल लो, एल के बाद एम निकाल लो, फिर भी आएगा आंसर, ठीक है? चलो नेक्स्ट जो है हमारा पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये भी पढ़े होगे जब आप छोटे छोटे होगे, बोलो पढ़े हो ना ये? हाँ, यस सर। तो ये क्या बोलता था? सर वो कहता था कि चारों जो ये हमारे क्वांटम नंबर है किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं हो सकते। ठीक है, मान लो ऑर्बिटल है और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू द पॉल्स एक्सक्लूजन, ये क्या बोलता था? इन्होंने ये बोला कि जैसे हमारे पास चार क्वांटम नंबर है ना, एन है ना, चार था ना हमारा, एन था, देन हमारा एल था, देन हमारा एम था, देन हमारा एस था, इन चारों की वैल्यू अलग होगी, ठीक है? किसके लिए? इन दोनों के लिए, दोनों के लिए सेम नहीं हो सकता, कोई तो डिफरेंट हो जाएगा। तो सही है, मान लो एन सेम हो गया, एल सेम हो गया, एम सेम हो गया, एस तो डिफरेंट होगा ना हमेशा, क्योंकि एस जो है प्लस माइनस हाफ में रहता है, आइधर एक इलेक्ट्रॉन प्लस होगा, दूसरा माइनस में आ जाएगा, ठीक है? क्लियर है? तो यही प्रिंसिपल क्या था पॉलिंग्स का, है ना, पॉल्स दोनों पॉली इलेक्ट्रॉन क्या एक डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकते, दोनों क्या इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव क्यों नहीं कर सकते? अगर दोनों एक एक ही डायरेक्शन मूव कर गए तो हो सकता है कि दोनों टकरा जाए, स्टेबिलिटी का इशू आ जाए, ठीक है? यही सामने होगा से ना? टकरा, सर टकरा तो सामने से हो सकते नहीं तो ये होगा, लेकिन यहाँ पे ये अंतर है ना, आइदर कोई क्लोज में क्लॉकवाइज घूमेगा या तो कोई एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ऐसा होगा कुछ रीजन, है ना? ठीक है, सर। किसी हाँ ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तब कैसे बताएंगे ये? अनपेड होगा, आइदर प्लस होगा या माइनस होगा, ये हम नहीं। अच्छा आप बोल रहे हो कि ये ऊपर दिख रहा है तो हम प्लस बोल देंगे, ये बोल रहे हो आप? नहीं सर, अगर जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कैसे फॉलो करेगा वो? हेलो, हाँ वहां पे ये हो, देखो नहीं, वो अलग कंसेप्ट हो गया जो आप पूछ रहे हो कि यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो इसमें क्या फॉलो करेगा, कुछ तो होगा जो यहाँ पे ये डिफरेंट होगा ही होगा इसका, क्योंकि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, अब दूसरा रहता तब तो हम कंपेयर करते हैं, कंपेरिजन का वो जो दूसरे रहा है यहाँ पर है ही नहीं, तो सेम भी हो जाए तो क्या दिक्कत, बोलो, है ना? यस अकेले है ना, ये अपने रूम में अकेले है, इसको क्या फर्क पड़ रहा है, दूसरा है ही नहीं, कहीं मन करे कुछ भी करे, दिन भर लाइट जला के रखे, किसी को दिक्कत नहीं, कोई दूसरा रहेगा तब तो दिक्कत होगा, अपने रूम में पूरा डीजे गाना बजा दे, है ना, दिन भर रात भर डांस करे, कुछ को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दूसरा रहेगा तब तो दिक्कत होगा इसको, कि भाई तुम डांस ना करो, मुझे सोने दो, है ना? ठीक है, ये बेचारा सिंगल है तो सिंगल को कोई दिक्कत नहीं, उसको जब माने मन करेगा सोएगा, जब मन करेगा वो अपना, ठीक है, जिसको जो मन करे वो करता रहेगा, ठीक है? ओके आगे चले। हाँ ये जो है PYQ में इसी के एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं होगा लेकिन इसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, बताओ कौन सा सही होगा? सभी लोग, ये बहुत बार पूछा गया है ना, बहुत बार, मतलब हमको लगता है कि हर 2-3 साल पे एक बार आ जाता है ये, और ट्वेंटी ट्वेंटी टू बताना क्या कैसे इसमें? इसमें ये बताना है कौन सा सही है, ओके सर। कौन सा पॉसिबल है, जल्दी जल्दी, कम ऑन, -1 होता है ना? क्या हाँ क्या क्या n-1 = 12 होता है ना? ए, हाँ एल इक्वल टू एन माइनस वन है ना, और एल की वैल्यू कहाँ लाई करती है, 0 to n-1, सी सही है जीरो जो सर, है, सी सही है। ए क्यों नहीं है? वो ML गलत है उसका। एमएल गलत है, उसमें से L0 है और ML -1 जा रहा है तो गलत है।
ठीक है, और अपना बी भी गलत है क्योंकि एन इक्वल्स टू जीरो और एल इक्वल्स टू वन जा रहा है तो वो गलत हो गया। डी वाले में एन इक्वल्स टू टू और एल इक्वल्स टू थ्री है तो भी गलत हो गया। क्या सबका सी आ रहा है? यस सी है। ठीक है, ओके, तो आंसर सी ही होगा, है ना? ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है सबको? और ये तो ज्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है, ध्यान रखना। सर सी ओके, कैसे कर सी देखो, एन हमारा 3 है, तो एल क्या हो सकता है? 0 2 एन माइनस 1, तो 0 2 3 -1 = 2, है ना? एल आइदर 0 होगा, 1 होगा या 2 होगा। एम क्या हो जाएगा फिर हमारा? प्लस माइनस 1 कॉमा 0 प्लस माइनस 2, ठीक है? दो, ए भी तो हो सकता है। ए में देखते हैं, चलो डी नहीं होगा, समझ गए ना? ये तो ज्यादा होगा नहीं, तो डी नहीं होगा। चलो बी में देखते हैं, बी भी नहीं होगा, चलो ये देख लेते हैं। ए में एन हमारा 2 है, एल क्या हो जाएगा? एन माइनस 1, तो एल क्या होना चाहिए? 1 आएगा, तो एल क्या होगा? आइदर एल जो होगा क्या हो सकता है? 0 2 1, 0 1 0 या 1, ठीक है? और एम क्या होता है? एम हमारा होगा माइनस एल टू एल प्लस एल, है ना? प्लस और माइनस, ओ तो हो सकता है तब यहाँ पे ये कुछ मिस्टेक किया ही लोग, यहाँ पे 1 होगा तब एन, ठीक है? नहीं तो फिर तो दोनों सही हो जाएगा। सर मल्टीपल करेक्ट होगा, हो सर सकता है। गलत है ए वाला, उसमें ML माइनस 1 कैसे हो सकता है? और कैसे जब एल 0 है तो M1 की ML जो है वो -1 कैसे हो गया? नहीं, आप लोग समझ नहीं समझ रहे हो, आप लोग इससे निकाल रहे हो क्या ये? नो हाँ माइनस एल से होता है। नो ये अच्छा नहीं, तब आप लोग गलत कंसेप्ट लगा रहे हो। रुको 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 रुको, नहीं, एक मिनट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तब आप लोग गलत कंसेप्ट से, आंसर तो यहाँ पे ए और सी है। आप डायरेक्ट एल का वैल्यू थोड़ी निकाल लोगे, आपको एल निकालने के लिए एन के पास जाना होगा। और एल का रेंज क्या है हमारा? 0 2 n-1। और एम एम किस पे डिपेंड कर रहा है? एल पे। एल किस पे कर रहा है? एन पे, ठीक है? तो हमारा एन क्या है? 2 है, तो एल क्या हो जाएगा फिर? n-1, तो क्या हो जाएगा? 2 -1 = 1, एल 1 आ गया, तो एल कहाँ से लाई करेगा? जीरो से वन, जीरो जीरो टू से वन वन सर। लेकिन ये किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए दे रखा है, एल को अगर 0 1 दोनों लेवल लेवल तो दोनों केसेस आ गए ना। अगर पर्टिकुलर केस में एल इक्वल्स टू उन्होंने मान लिया है कि 0 है तो हम उसके तो हिसाब से हाँ, एमएल का वैल्यू बता पाएंगे एक इलेक्ट्रॉन नहीं, के लिए। किस ना, नो 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 नो, ऐसा नहीं है। क्या मैंने जो ये आपको बताया था, एल इक्वल टू 0 किसके लिए था, ये बोलो बस, एस ठीक है? एल इक्वल टू 1 किसके लिए था? पी हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एस भी आएगा, पी भी आएगा, सर, हाँ, तो पी में 3 पॉसिबिलिटी है, हाँ सर, 0 प्लस 1 या -1, ठीक यस सर, है? ये ऐसा कोई सेट ऑफ, ये पूरा एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा है, ये वैल्यू नहीं दे दिया है कुछ, है ना? कि 3D में बताओ, 4D में क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं बोला इन्हें। ये बोला है कि सेट ऑफ क्वांटम नंबर कौन सा सही है। देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है जो आप बोलना चाह रहे हो, है ना? कि एस में बताओ, एसी में बताओ तुम, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, है ना? तो हमारा ए भी सही है, ठीक है, सी भी है, डी नहीं होगा, समझ गया ना? डी ये नहीं होगा, यस सर। ये 0 है तो 1 कहाँ से हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो ये नहीं होगा। चलो आगे चले हम लोग, किसी को कोई दिक्कत परेशानी अभी तक नहीं ना? अब बताओ, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन ए सिमिलर स्पिन इन थर्ड सेल। सर 1 18 हाँ?
वन वन कैसे होगा? सर क्या बताना है इसमें, सिंगुलर स्पिन के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ सिमिलर स्पिन इन थर्ड शेयर। सर 6 सेकंड। एन की वैल्यू 3 आएगी, 9 आएगा। वाह ग्रेट, 9 आएगा। आप लोग फॉर्मूला भूल गया यार। देखो ऑर्बिटल कितना होगा, अगर आपके पास एन जो है 3 है तो एन स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपका, 2 इंटू एन स्क्वायर, है ना। 2 इंटू एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 80। फिर सब और में ये सर आगे आगे प्रोबेबिलिटी होती है, इसलिए मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया। ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, ये तो इलेक्ट्रॉन जो था हमारा 18 था, लेकिन जो स्पिन है, स्पिन क्या हो सकता है, या तो प्लस या तो माइनस। बट हमें जो निकालना है सिमिलर स्पिन, मीन्स आपने क्या, नहीं, मैं जो है केवल प्लस वाला निकालूंगा, इसका मतलब ये हाफ ही होगा ना फिर, तो क्या हो जाएगा फिर, 18/2 = 9। तो आंसर 9 आएगा। इसमें किसी को डाउट है? माइनस वाला हमने छोड़ दिया, आपका माना है नहीं, मैं माइनस वाला लूंगा, तो आप फिर प्लस वाला छोड़ दोगे पूरा, तो हाफ ही करना पड़ेगा, है ना। इसमें डाउट है किसी को, बोलो। नो सर। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ट्राई करना जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन बी फिट इन द ऑर्बिटल फॉर इच, जल्दी जल्दी। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जल्दी जल्दी। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच एन इक्वल टू 3 एंड एल इक्वल टू 1। दो सर, 6 सिक्स तो सिक्स कैसे? सर L1 दे दिया ना, यानी पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन तो अच्छा, आएंगे। और ये कौन देखेगा? 10 10 10 पहले आप आंसर सही दिए थे, आप कंफ्यूज हो गए आप। सही तो सर होगा, मैंने अलग 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 वैल्यूज वंस ने दिया है सर ये। बताया ना, एन 3 है और L1 है, 3s1 3s2 हो गया ना, तो दो ये क्या हो इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3s हो गया ना, 3s थोड़ी होगा, ये क्या हो जाएगा 3p। अब 3p में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, होंगे सर। 6? टू 2 होगा, ठीक है। थ्री क्या पी होगा सर? ऑर्बिटल बोल रहा है आप, सही देखो आप लोग सबसेल कंसीडर कर रहे हो, देखो ये सब टर्म आप लोग कंफ्यूज मत हो। ये क्या है, ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में ऑर्बिट, देखो देखो, 1 मिनट 1 मिनट, आ जाओ इधर आप लोग, ये मैं बना रहा हूँ, देखो अब आप लोग का कभी डाउट नहीं आएगा, ध्यान से देखना आप। ऑर्बिटल बोल रहा है, सबसे नहीं बोल रहा था, ठीक है। अगर यहाँ पे पी बोलता, पी सबसेल, पी में ना 6 होगा, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे। अगर कोई आपसे बोलते ऑर्बिटल तो हमेशा 2, अगर बोलते पी ऑर्बिटल, इसका मतलब कोई पार्टिकुलर ऑर्बिटल का बात कर रहा है, ठीक है। इन तीनों आइदर इसका बात कर रहा होगा, या तो इसका बात कर रहा होगा, या तो इसका बात कर रहा होगा, सर, किसी एक का मतलब जब भी वो ऑर्बिटल बोले तो हमें कोई फॉर्मूला टू उन्होंने लगा, डायरेक्ट 2 लिख देना है। टू लिख देना, हमेशा सही होता है वो, अच्छा, ठीक और सर मान लो है। उसने ये जो आपने बनाया टोटल, मतलब टोटल पी में बोलता, जैसे ये ऊपर वाले हाँ, आपने, टोटल पी में बोलता, फिर आपको पूरा कंसीडर करना होता, 6 होगा, तो हमने 6 सबसे लिख निकाल देता। लिया। हाँ, हाँ, यहाँ और पे लिख फिर देता सबसे, लिख देता तो 6 हो जाएगा फिर। हाँ, तो फिर तो वो L वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। नहीं, एल वाले से नहीं, 3p, तो 3p में कितना मैक्सिमम हो सकता है, पी में मैक्सिमम 6 हो सकता है ना, यस मैक्सिमम यही होगा, है ना, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पे ऑर्बिटल के बजाय अगर सब सबसे लिख देता तो ये होता, ठीक है। तो मतलब ये सर जो मैंने छोटी पहली बार आंसर वो लगा दूं, दोबारा कौन मत सा, सोचो, मैं कह रहा ज्यादा हूँ ना कि सुन, पहली हाँ बार जो है वो लगा दूं। हाँ ज्यादा सोचो, देखो ज्यादा सोचने में गलती हो रहा है तुम्हारा, सोच लो। ठीक है, तो ऑर्बिटल था ना यहाँ पे, ध्यान रखना ऑर्बिटल रहा, इसलिए 2 होगा। अगर सबसे लिख देता तो आपको
क्या हुआ, 3p हुआ, तो p में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो आप, 6 ही ना, ठीक है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, एंड 6। 6 से ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन ये p सबसे नहीं बोला था, ऑर्बिटल बोल दिया था, तो ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है ऑर्बिटल पे क्वेश्चन, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी फिल्ड इन 3D ऑर्बिटल, इस बार भी 2 लगाएंगे सर। बस अब आप लोग सही कर लोगे, ठीक है, 2, ठीक है, आगे चले। हाँ, उस ऑर्बिटल सेट, हाँ, इसका आंसर बताना। 2 वाले बहुत बहुत छोड़ो ना, बहुत लोग गलती करता है, आप ही लोग छोड़ो, बहुत लोग। 3D होना चाहिए। अच्छा, 3D होना चाहिए। एल 2 पे क्या होता है, डी ना, डी होता है सर। 3D हुआ है ना। विच ऑर्बिटल रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, क्या बात है, सही है आप लोग, इतने इजी ठीक इजी क्वेश्चन भी आते होंगे क्या? ये प्रैक्टिकल है। आते हैं, आए हैं, आए हैं, ये सब PYQ है जो आप सोल्व कर रहे हो, आते नहीं है, आ चुके हैं। के बैठो तब तो नहीं होते ऐसे क्वेश्चन। नहीं, रहता है। इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन क्वांटम नंबर प्लस ऑफ एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज माइनस ऑफ, इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन, कौन सा होगा बताओ। इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन क्वांटम नंबर हाफ एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन, जैसे मान लो आपके पास ऑप्शन देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन लिख लो आप लोग, पी और पी ऑर्बिटल, बी आ जाएगा आपका एस ऑर्बिटल, सी आ जाएगा एस पी, डी ले लो डी ऑर्बिटल, एस और डी ले लो, नन ऑफ दिस। एस सर ऑर्बिटल एस सर ऐसा होगा इसका। समझ लेना, एस क्यों होगा, आंसर एस होगा, क्यों, एस में क्योंकि सर एल एल यहाँ पे भी जीरो होता इक्वल हो जाएगा है, और ये बात कर रहा -1 का, तो पी में तो -1 पॉसिबल है, पी में -1 पॉसिबल है, या जो लोग डी बोल रहे हैं, डी में तो -1 ही छोड़ो, प्लस -2 भी पॉसिबल होगा, +2 भी पॉसिबल होगा, -2 भी पॉसिबल होगा, 0 भी होगा, ठीक है। और पी में क्या होगा, -1, 0, +1, इन ये तीनों पॉसिबल है, ठीक है। चलो आगे चले, क्लियर हो गया ना आप लोगों को, यस सर। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा शेप देख लेते हैं ना, एस का है ना, शेप कैसा होता है ना। एस ऑर्बिटल का शेप आपको दिखेगा स्फेरिकल शेप, याद रखना बस, है ना, स्फेरिकल शेप में पाया जाता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, किसी भी डायरेक्शन में जाओगे ना, इलेक्ट्रॉन जो है सिमिलर ही मिलता है यहाँ पे, कहीं जाओगे तो इलेक्ट्रॉन आपको देखो, ठीक सर अभी क्या है क्या ना, टॉपिक रहेंगे आज के लिए? ठीक है, बस ये लास्ट ही चल रहा है, ज़्यादा नहीं है ना। पी ऑर्बिटल याद रखना, पी एक्स मतलब एक्स के अलोंग, पी वाई के मतलब वाई के अलोंग, पी जेड के मतलब जेड के अलोंग, आपको क्या रहेगा ऑर्बिटल पाया जाए, लोब, लोब बोलते हैं इसको ना, लोब मिलता है ना, ठीक है। शेप कैसा होता है, डम्बल शेप पाया जाता है ना, फाइन। और यहाँ पे तीनों की क्या है, शेप और एनर्जी सेम होती है ना, ओके। और एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ पे जो दो लोब है ना, ये फर्स्ट लोब है मान लो ए है, और ये हमारा क्या है, सेकेंड लोब बी है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पाया जाता है, मैक्सिमम हैविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एज ए जीरो ऑन इट, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, लोब ऑन आइदर साइड ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस हैविंग फाइंडिंग ऑफ हैविंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एज ए जीरो ऑन इट। देखो यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे सेंटर पर बोल रहा है, ये जीरो होता है, ये बोल रहा है, ठीक है। जीरो से हम लोग दूर जैसे जैसे जाओगे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है। मान लो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से जिससे दूर दूर जाओगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग बढ़ता चला जाता है पी में, ठीक है। जैसे यहाँ से अगर आप इधर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, यही बोल रही है ना।
लूप, ठीक है। हजार अब डी में, डी का सब डी ऑर्बिटल का देख लो, एक्स डी एक्स वाई मीन्स एक्स और वाई के अलोंग क्या है, एक्स और वाई के बीच में लोब पाया जाएगा यहाँ पे, है ना, एक्सिस में। डी एक्स जेड में, एक्स और जेड के अलोंग में बीच में 45 डिग्री पे लोब रहता है यहाँ पे। वाई जेड में, वाई और जेड एक्सिस के अलोंग इन बिटवीन बोल सकते हो, 45 डिग्री पे पाया जाता है। और डी एक्स स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि हमारा लोब जो है एक्स और वाई के अलोंग है, इन बिटवीन है। ये क्या होता है, इन बिटवीन, इन बिटवीन। और ये क्या होते हैं, एलोंग पाया जाता है, ये जेड के एलोंग और एक्स और वाई प्लेन में भी पाया जाता है, जेड, ठीक है। जी ऑर्बिटल्स किसी को डाउट है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहाँ पाया जाता है, एलोंग द एक्सिस, एक्स और वाई, ठीक है। डी जेड स्क्वायर एलोंग द जेड और प्लेन में, है ना, थोड़ा सा सर्किल के, सर्किल जो है ना इसके अलोंग, तो ये ध्यान रखना होगा। पे एज्यूम किया गया, मतलब इस ग्राफ के साथ कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ये जो सर्कल हम बना देते हैं थोड़ा सेंटर छोड़कर रिंग जैसा, ये किधर के लिए मतलब है? ये जेड के नहीं है, जेड पे नहीं होता ये, एक्स के अलोंग, एक्स के अलोंग पाया जाता है ये। एक्स वाई प्लेन, ठीक ये मान लो है जेड है सर। तो सर्कल जो होता है ऐसे पाया जाता है ना, एक्स एक्स प्लेन हुआ ना आपका, एक्स एक्स वाई जो हुआ आपका, ये एक्स हुआ, ये जेड था आपका, तो जेड के एलोंग जो है लोब है, लेकिन जो सर्कल है एक्स में घूमेगा, एक्स और वाई में, ये आपका एक्स है, ये वाई है, और ये जेड था, तो एक्स वाई में मिलता है लोब, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, क्लियर है। किसी को डाउट है, नो इन सर। बिटवीन एंगल लिख लेना, एंगल 45 डिग्री, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना बस, ठीक है। चलो अब आते हैं नोट, नोट वैसे नेक्स्ट क्लास में भी आएगा जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे तो, ठीक है, बट देख लो यहाँ पे भी। रीजन क्या होता है, साई स्क्वायर क्या बताता है, अगर साई स्क्वायर 0 है तो ये क्या बोल, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0, ठीक है। नोड क्या होता है, नोड ये बताता है ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग 0 है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, जहाँ पे जिस प्लेन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होगी उसी को हम लोग बोलते हैं नोड, नोडल प्लेन भी बोला जाता है। द प्लेन फ्रॉम वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जाता है, ठीक है। जैसे रेडियल नोड, ठीक है, ये क्या होता है, स्फेरिकल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस हैविंग, यहाँ पे भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0। रेडियल नोड निकालते कैसे हैं, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये पूछा गया है 2022 में भी। रेडियल नोड कैसे निकालेंगे, एन माइनस एल माइनस वन, ये ध्यान रखना। वैसे ये कल आएगा जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे ना, 1s का, 2s का, 2p का, 3p का, है ना, तब आपको आइडिया लगेगा इसका, रेडियल नोड निकालते हैं वहाँ पे, है ना। नोडल प्लेन या एंगुलर नोड क्या होता है, जहाँ पे प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस हैविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0, ठीक है। एंगुलर नोड क्या होता है, एल, ठीक है। टोटल नोड कैसे निकालोगे, एन माइनस वन, तो ये ध्यान रखना फॉर्मूला, एल माइनस एन माइनस वन, टोटल नोड क्या होगा हमारा, रेडियल प्लस एंगुलर, है ना, तो दोनों को जैसे जोड़ोगे, जैसे आपका रेडियल क्या है, रेडियल आपका था एन माइनस एल माइनस वन, प्लस एंगुलर क्या है हमारा, एल, तो एल एल कैंसिल आउट, तो एन माइनस वन, तो ये दोनों फॉर्मूला ध्यान रखना, भूलना नहीं, ठीक है। सर रेडियल का मतलब क्या होता रेडियस के लॉन्ग, रेडियल नोड, ये कल आएगा आपको। किसी भी ऑर्बिटल में, मतलब उनके मतलब स्फीयर स्फीयर पे बात होता है ये। और एंगुलर मतलब एंगल पे, एंगुलर नोड और रेडियल नोड दो नोड होता है, आपको बस ये ध्यान रखना है, ये कल पता चलेगा इक्वेशन में एक आएगा जहां से हम लोग ग्राफ बनाएंगे, और इक्वेशन में भी आपको बस ध्यान रखना है, वहां से क्वेश्चन जेई मेन में नहीं पूछा जाएगा, है ना, तो कुछ चीजें जो है एडवांस के लिए, तो आप लोग अब है ना वेट कर, है ना, बस ग्राफ जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा नोट से और रेडियल नोट से,
और इस पे ग्राफ होगा 1s का, 2s का, 2p का, जो हम लोग कल देखेंगे इस पे ग्राफ, है ना, कैसे बनाते हैं एंड ऑल, इससे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। रेडियल नोड और एंगुलर नोड का मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन मिलता है साई, ठीक है, रेडियल इंटू, वो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, अभी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन वो आएगा, कल आएगा, इक्वेशन आता है, लेकिन इक्वेशन से सवाल, इक्वेशन से सवाल जेई मेन में नहीं आएगा, जेई एडवांस में आता है, ठीक है, तो इक्वेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं। मैथमेटिकल ऑपरेटर सर, हाँ आएगा आएगा, वो 11वीं में कहते हो सॉल्व नहीं होता, वो मैथमेटिकल ऑपरेटर जो होता है श्रोडिंगर कुछ हाँ कसूल जैसे। हाँ तो हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें बस रिजल्ट याद रखना है, जेई एडवांस के लिए, जेई मेन के लिए नहीं। जेई मेन के लिए क्या है, ग्राफ बस, जो हम लोग कल देखेंगे, बाकी चीज़ें कुछ जो है 15-20 मिनट का जब एडवांस का पेपर देने जाओगे उसके पहले कवर करेंगे। चलो आपके पास क्वेश्चन है, ये सभी लोग ट्राई करो इसको, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड और इन 2s 2p एंड 4d ऑर्बिटल में, रेडियल नोड निकालना है और एंगुलर नोड निकालना है, जल्दी जल्दी जल्दी। ज्यादा नहीं बचा है, जल्दी 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 जल्दी, देखो 2s का बता रहे हम, ध्यान सुनना, 2s है, इसका मतलब क्या है, l l यहाँ पे 0 हो गया, और n क्या हो जाएगा हमारा 2, बस बाकी फॉर्मूला आपको याद है, रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, वन रेडियल नोड की फॉर्मूला क्या होती है, फॉर्मूला n-l-1, ठीक है, तो 2-0-1=1, रेडियल नोड 1 आ गया। यस थ्री सर, पी का देख लो, थ्री पी का पी क्या होगा, एल हमारा 1 हो जाएगा, एन हमारा 3 हो गया, ठीक है, -1 -1 एन बन हमारा 3 हो गया। इसमें आ जाओ 4d में क्या हो जाएगा, डी हमारा 2 हो गया, गया, एन हो गया हमारा हमारा, चलो 4 -2 -1 एक ही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, तो ये फॉर्मूला याद रखना, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है 22 में भी, 21-22 में शायद पूछा गया है इससे सर से क्वेश्चन, एक बात नोट निकाल के दिखा दो। नोड बोला था ना, टोटल नोड बोलेगा तो क्या हो जाएगा, टोटल नोड, ठीक N-1 वही 4 में से है 1 या 3, 3 में से 1 या ठीक है 2। ठीक है, तो टोटल नोड क्या हो जाएगा हमारा, n-1, ठीक है। चलो अब है ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड एंड 3 एंड 3 टोटल नोड इज, फॉरेस्ट क्या होगा फॉरेस्ट फॉरेस्ट सोच लो, बोल रहा है 3 एंगुलर नोड है, फोर तो 4D होना चाहिए, फॉरेस्ट होगा। एस हुआ कंफर्म आप लोग, चलो आ जाओ, एंगुलर नोड बोल रहा है 3, एल 3 है भाई साहब, यस ठीक है एल 3 है तो क्या होना चाहिए, एल 0 किसका होता था, एस एल हमारा, देखो 1 सेकेंड, FF अब सही आ गया, सही हो गया, एल इज इक्वल टू 0, एस एल इज इक्वल टू 1 किसका होगा, एस पी हो गया, एल इज इक्वल टू 2 किसका, एस पी, डी एल इज इक्वल टू 3 किसका, एफ, एफ होगा ना वो, एफ होगा। तो हमारा जगह 4f, अब आप लोग सही हो, ठीक है, किसी को डाउट है, 3 टोटल नोड है, तो सर मैं एंगुलर को रेडियल मान के कर रहा था, तो उसमें 4 ऐसा आ रहा था। नहीं, ऐसा गलती नहीं करना है हमें, ठीक है, टोटल नोड क्या है हमारा, n-1, तो n क्या है हमारा, टोटल नोड क्या है, 3, 3 इज इक्वल टू -1 n-1, तो n क्या आ जाएगा हमारा, n इज इक्वल टू 3+1=4, तो हमारा आंसर क्या होता, ऑप्शन में अगर आपका हो जाएगा 4f, हमारा आंसर आएगा, ठीक है, n की वैल्यू 4 आ गई, l की वैल्यू आपको 3 थी, ठीक है, l आपका 3 था, समझ गए आप लोग, ठीक है ना, किसी को डाउट बोलो, सर ठीक है। चलो ये आप लोग होमवर्क में है, और इसका होमवर्क में आप लोग ट्राई करना ज़्यादा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये इजी है, जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है। पॉलिंस देख लिए हो सर। है ना, अब बाउ आपको पता है, हांट्स रूल भी आपको पता है ना, ठीक है, ये सारा पता है ना आपको, भूल तो नहीं गए, ठीक है वैसे तो ना। पता था, बस नाम से नहीं पता है कौन सा था। नहीं, अरे इससे सवाल आएगा। अंदर नहीं 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 से नहीं पता नहीं 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 नो नो नो, पूरा रूल पता होना चाहिए। पॉलिंस क्या था, बाउ क्या था, हांट्स क्या था, है सर। इलेक्ट्रॉन फिलिंग ऑर्बिटल में तो आता है, बस नाम के साथ नहीं पता। नाम वाला याद रखना, नाम ही से पूछता है वो लोग, ठीक है ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक ट्रिक बता देते हैं आप लोग, वैसे आप लोगों को पता भी होगा। एस एस ठीक है, इसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, पी एस है ना, अब ध्यान रखना आप लोग, पी एस हो गया, डी पी एस, वो दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं है, ये डी पी एस है ना। इसके बाद हो जाएगा एफ डी बी एस है ना, एफ डी पी एस, एफ डी पी, एफ डी पी एस, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है आपको, 1 2, 1 2 का 4 है ना, देखो ये 1 है, ये 2 होगा, 2 हमेशा पी हमेशा 2 से स्टार्ट होता है, 2, ये 3 होगा, डी हमेशा 3 से स्टार्ट होता है, ये हो गया 4, फाइन। अब इसके बाद 1 2 1 2 कर दो है ना, ये 1 है तो ये 2 होगा, कौन सा कलर ले ले बताओ, ग्रीन, ग्रीन दिख रहा है सबको ना, ग्रीन, अच्छा ब्लैक ले लेते हैं, हटाओ, ब्लैक ले लेते हैं ना, ये 1 है तो ये 2 होगा, ध्यान से देखना कैसे कर रहा है ना, 2 हो गया, ये एस तो ये 3 होगा, ये पी क्या हो जाएगा, 2 ऑलरेडी होगा तो ये 3 हो गया, 3S हो गया तो इसका मतलब ये 4 होगा है ना, एंड बताओ बताओ बोलो बोलो, ये P क्या हो जाएगा, P P P 2 3, ये 4 हो गया, ये S क्या हो जाएगा, 4 था तो ये 5 हो जाएगा, D क्या हो जाएगा, 3 था, 3 तो ये 4, ठीक है, P क्या हो जाएगा, 5, 5P, S 6, 6 हो गया, ठीक है, यहाँ पे D क्या होगा बोलो, 5, P क्या होगा, P6, ठीक है, एस 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 के आगे क्या होगा बोलो, सेवन सेवन, एफ एफ, अच्छा फाइव फाइव फाइव, डी सेवन सिक्स सेवन होगा सेवन कहाँ से होगा, सिक्स फाइव आएगा सिक्स सिक्स, पी क्या होगा, पी सिक्स, आएगा एट एक मिनट, पी सिक्स है ना यहाँ पे, सेवन टू फाइव हो सिक्स सेवन आएगा, ठीक है, एस क्या आएगा, सेवन फिफ्टी एट, जाएगा। बस इससे आपका मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तो ये ट्रिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है, ये ध्यान रखना, इससे आप सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यही क्या था, अब बाउ था, ठीक है, ट्रिक, प्रिंसिपल का क्या था सर इसका? वही है वही है। अफवाह में बस थोड़ा सा वो घुमा घुमा के दिखाते हैं। लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी हम लोग भरते चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन को, अच्छा हायर, अच्छा याद आ गया सर। ये याद रखना, भूलना नहीं है ना। फाउंडर्स वाली बात आ जाती है कि उनकी कंपेरेबल एनर्जीज होती है, फिर थ्रीडी की थोड़ी कम पड़ जाती है। तो ये ध्यान रखना, ये पूरा ट्रिक है, एस एस पी एस, पी एस डी पी एस, डी पी एस एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, एनर्जी ठीक ऑर्डर है, मिलता है ना सर कुछ। पूरा पूरा एनर्जी लेवल पे है ये, एन प्लस एल रूल पे है। उसके बाद क्या करना है, 1 2 3 4 कर देना इधर स्टार्टिंग से, और बाकी जो बचे गया उसको कर देना है ना, ठीक है, ये ट्रिक है फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 1s 1s2 2s2 इलेक्ट्रॉन जोड़ते चले जाओ, 2p6 3s2 3p, 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, देखो अपने आप चेंज हो गया ना, 3d10 आएगा, फिर क्या, 4p6 5s2 3d10, ठीक है, ये चलता चला जाएगा है ना, समझ गया। तो ये ध्यान रखना ट्रिक है फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। अब बाउ मैंने अभी जस्ट बता दिया कि फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, पहले हम लोग फील करते हैं लोअर वाले को, लोअर एनर्जी जिसके पास एनर्जी कम होती है उसको पहले हम लोग फील करते हैं, देन हम लोग मूव करते हैं किधर, हायर एनर्जी की तरफ। तो वैसे फॉर्मूला जो मैंने ट्रिक बताया ना वैसे हो जाएगा, ठीक है।
ये इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है ये सब, ठीक है। रूल क्या होता है, फर्स्ट रूल क्या था, एन प्लस एल रूल। एन प्लस एल रूल से हम लोग ये फाइंड करते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा है, 3p का है कि 3s का है, कि 4d का है कि 4s का है। तो हम लोग अप्लाई करते हैं एन प्लस एल रूल, है ना, दोनों को ऐड करते हैं, जो ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा हो गया। बट ऐसा केस आएगा जहां पे एन प्लस एल रूल आपका सेम हो जाएगा, ऐसा कहीं पे दिखेगा जहां पे एन प्लस एल रूल अगर सेम हो गया तो उस केस में हमारा जो है एनर्जी लेवल किस पे डिपेंड करेगा, एन पे, ओनली एन पे डिपेंड करने लगता है, ठीक है, ओके क्लियर है ना। तो एन प्लस एल रूल याद रखना, हम जब भी इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं एन प्लस एल रूल से करते हैं। एंड कभी कभी क्या होगा ना, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे किसका एनर्जी लेवल ज्यादा है, तो वहां पे ये दोनों कंडीशन याद रखना, ए और बी। अगर सबका अलग अलग आ रहा है, एन प्लस एल वैल्यू जो आ रही है सबकी अलग अलग आ रही है, तब तो सिंपल एन प्लस एल रूल से अलग हो जाएगा। बट अगर किसी एक का सेम आ गया जिसे, है ना, उस केस में हम लोग अप्लाई करते हैं एन प्लस एल रूल नहीं, क्योंकि सेम आ गया दो वैल्यू, तो उन दोनों को हम लोग चेक करते हैं किसका एन की वैल्यू ज्यादा, एन सर एन नॉर्मली हाइयर। अपडेट कर लेगा तो हाँ गलत हो जाएगा क्या? गलत होगा, वो हमेशा एन प्लस एल रूल नहीं लाएगा ना, एन प्लस एल रूल जब फेल कर जाएगा तब हम लोग एन पे आ जाएंगे सीधे। और इस बेस, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है ना, ठीक है। अब चलते हैं देखो हंट्स रूल पे। हंट्स रूल पता है ना, ऐसा नहीं है, हंट्स रूल ने क्या बोला था, पहले सबको इलेक्ट्रॉन दो पेयरिंग से पहले, तो ये गलत है, ये सही था, है ना। ठीक है, हंट्स ने क्या बोला, पेयरिंग करने से पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, है ना, ठीक है, यही था हंट्स रूल, ओके। किसी को डाउट है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, एक तो आपका 1s 2s के फॉर्म में, दूसरा होता है ऑर्बिटल डायग्राम के फॉर्म में, है ना, याद है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप लोग पढ़े होंगे, 3d 4s बना बना के हम लोगों ने लिखा था, है ना, वही है, ठीक है। ये कोई नहीं पूछेगा टा, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा, है ना। ऑर्बिटल के फॉर्म में हम लोग ये कॉन्सेप्ट कहाँ पढ़े थे, कोऑर्डिनेशन में, याद आया सबको, आता है सर। ठीक है, चलो। हाँ ये पूछा गया, देखो 19 में जेई मेन। अब बताओ कौन सा होगा, बताओ ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ए जो है आपका 5f 6p 4d 5p, बी है आपका 6p 5f 5p 5d, सी है आपका 5f 6p 5p 5 4d, ठीक है, डी है आपका नॉन ऑफ दिस। बी कौन सा, बी ए वाला बी वाला, ट्राई सी करना होना फिर से आप चाहिए, लोग, सी होना अरे यहाँ ये होगा यहाँ पे अप्लाई करना एन प्लस एल रूल, अगर सेम हो गया सेम ए फॉर। देन मूव टू एन, जो जो सेम था उस पे एन लगाना, सब पे मत लगा देना, ट्राई सर करो फिर जल्दी सी जल्दी, होगा। पहले एन प्लस एल रूल लगाओ सब में, जो जो सेम होगा, जो सेम होगा उन दोनों के बीच में एन कंपेयर करना, सब में एन मत लगा देना, है ना, ठीक है ना। कंडीशन पढ़ लेना, फर्स्ट वी हैव टू अप्लाई एन प्लस एल रूल, इफ एन प्लस एल रूल इज सेम सर देन सी गो होगा, फॉर एन, है ना। जैसे यहाँ पे 4 दिया गया है तो किसी दो सेम हो रहा होगा, सी आ रहा है। सबका सी आ रहा है, सी आंसर है। कैसे हो रहा है आप देख लो, मैंने बोला था ना इस पे क्वेश्चन पूछा गया है 19 में भी, तो 20 में भी पूछा ही जाएगा, 20 में भी पूछा गया है, यह ध्यान रखना है ना। सब PYQ है, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना सब प्रीवियस ईयर का है, तो ये मत सोचो यार ऐसा इतना इजी क्वेश्चन आएगा, आया हुआ है देख लो। क्या था पहला हमारा 4D,
4D में क्या लगाना है आपको, एन प्लस एल कितना हो जाएगा हमारा, एन हमारा है 4, एल हमारा क्या है बोलो 2, तो कितना आएगा 6, फिर क्या है 5P, 5P में लगाओ हमारा एन प्लस एल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 5 प्लस 1 इक्वल टू 6, 5P होगा, 5F लिख लो, 5F एन प्लस एल क्या होगा बोलो, 5 प्लस प्लस 3 8, फिर है आपका 6P, 6P, 6P में हो जाएगा आपका एन प्लस एल, तो क्या मिलेगा बोलो, 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। देखो दिक्कत कहाँ आ रही है हमें, दिक्कत केवल इन दोनों में आ रही थी, ये तो समझ गए ना, फाइव एफ ज्यादा होगा देन 6P, अब ऑप्शन में आ जाओ 5F 6P, फाइव ओहो आइदर ए या सी होगा, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है अब आ जाओ, ठीक है अब हमें ये चेक करना है कि इन दोनों में से ज्यादा किसका है, इन दोनों की एन प्लस एल वैल्यू सेम आ गई, तो देन चेक एक चेक एन, एन किसका ज्यादा है 5, तो कौन सा ज्यादा हो जाएगा देन 5P, लास्ट में 4D, समझ गए ना कॉन्सेप्ट, अब ये PYQ मैंने बोला था ना प्रीवियस ईयर में सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, ये एक बार नहीं पूछा गया बहुत बार पूछा गया, ठीक एक है बार दोबारा बता दो ये वाला कॉन्सेप्ट जो अभी आपने बताया। एन प्लस एल रूल है, देखो जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है ना 4D, 5P, 5F 6P, इसका सबका आप सबका एन प्लस एल वैल्यू निकालो, ठीक है जैसे 4D में आ जाओ, ध्यान से देखना 4D वाला, 4D में 4 क्या है हमारा एन था, और डी डी के लिए एल क्या है, एल की वैल्यू क्या है 2 है, 2 है, तो एन प्लस एल क्या हो जाएगा हमारी, सिमिलरली 5P पे आ जाओ, 5P में हमारा एन क्या है, एन हमारा 5 है, 1 एल क्या हो जाएगा, पी के लिए एल क्या है 1, है। ठीक है तो सिमिलरली 5F के लिए कर लेना, और दोनों को ऐड करते जाना एन प्लस एल एन प्लस एल, और अब कंपेयर करना, जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो पहले आ जाएगा, एंड अगर मान लो किसी दो का सेम हो गया, यहाँ पे देखो 4D और 5P का वैल्यू सेम हो गया है एन प्लस एल, अब हमारे पास ऑप्शन क्या है एन, जो एन जिसका एन ज्यादा होगा उसकी एनर्जी लेवल ज्यादा हो जाएगी, तो 5N ज्यादा है ना, एन की वैल्यू 5 है तो ये ज्यादा होगा, 5P इज मोर हाई एनर्जी देन 4D, समझ गया, किसी को कोई दिक्कत परेशानी बोलो, समझ गया ना, PYQ है 19 में पूछा गया, 2019 का क्वेश्चन है ना, हाँ ये भी चलो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वैसे अगर कोई आप अगर आप लोग पढ़े होगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो आप कर लोगे आसानी से इसको, जल्दी 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 जल्दी, चलो एटम का नाम भी दे देते हैं, एटम का नाम दिया रहेगा आपको, मान लो आयरन दे दिया, वैसे कोबाल्ट, थोड़ा रीजनेबल तुक्का तो लगे है, इतना दूर दूर कुछ कैसे लगेगा। दिक्कत ये तो बहुत ज्यादा, इसमें तो हिल जाएगा आदमी ऐसे कहा जाए तो हम सारे एलिमेंट्स चेक कर सकते हैं, SPDF। ऐसे नहीं देगा, फिर बहुत बड़ा ऐसे नहीं, ऑप्शन था, विदाउट ऑप्शन ही आप नहीं बता पाएंगे, एटम का नेम ही नहीं बता पाओगे, इससे तो बहुत हो जाएगा, निकल 3.92 निकालना है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये आप लोग याद होना चाहिए, बोलो ये हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़े हैं, म्यू एस क्या था हमारा, अंडर रूट एन 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 प्लस टू जेडन होगा। अभी भी मौका है, ठीक है निकल सबका सबका क्या लिखो, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिखते थे ना वैसे ही लिखो, आर्गन के बाद वाला सबका सबका आर्गन के बाद वाला लिखो,
ठीक है, 3D के, 4S वाला सब में, तो आपको दिख जाएगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है। और एक ट्रिक याद रखना, जब भी कहीं पे भी मैग्नेटिक मोमेंट 3.92 है ना, ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन 3 ही होगा, ऐसी बिल्कुल ट्रिक होता है, ठीक है। सर, 15 के करीब 3 और 5 वाले बात बढ़ेंगे तो 3 ही होंगे। तो तो 3 ही होता है ना, जब भी 4 पॉइंट बैंड समथिंग हो, इसका मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 है। अगर मान लो कोई भी पॉइंट से पहले होगा ना, अनपेयर इलेक्ट्रॉन वही होता है, ठीक है। अब तो निकल ये भी सकता हिंट दे है, दिया, अभी भी सोच लो। निकल 27। एक मिनट, निकल 28 20 होता है, कोबाल्ट होगा सर आंसर, कोबाल्ट है। वाह क्या बात है, बी आंसर होगा। जिसका बी नहीं आ रहा है, देखो कैसे बी आ रहा है। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना आर्गन के फॉर्म में फोर एस टू क्या थ्री डी होगा, सेवन 3D7 4H2। ये तो फील्ड है, इसको हमें लेना देना नहीं है, है ना। अब डी में आ जाओ, 3D में 1 2 3 4 है ना, D7 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, खत्म। समझ गए, है ना। एन क्या है, 3, और हमें एन ही चेक करना है किस में 3 है, तो कोबाल्ट में ही आएगा, बाकी बाकी लोग में नहीं आएगा, इसमें तो आएगा ही नहीं, ठीक है। यस सर, ओके जीरो ध्यान रखना, है और इसमें। सर निकेल अभी में भी और नहीं भी बहुत आएगा। कुछ, सर अभी और भी बहुत कुछ पढ़ाना है क्या बस आपको? बस बस, अब एकदम खत्म चल रहा है, लास्ट ही चल रहा है हम लोग, है ना, लास्ट ही अपन। ये क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करना, इम्पोर्टेंट है, नहीं अगर डाउट आएगा तो डाउट वाले ग्रुप में पूछना, है ना, ये क्वेश्चन ट्राई करना, है ना। और ऑप्शंस वैसे इसके ऑप्शन दे देता हूँ इसका मैं, ऑप्शन याद रखना, n=3, l=1 है, m आपका यहाँ पे 0 है, और आपका ms जो है, ms जो मैं होमवर्क दिया हूँ ना, सीरियसली करना आप लोग, m जो है हमारा -1/2 है, ठीक है। b ले लो, b है n=3, l=0 है ना, m है आपका यहाँ पे 0, और आपका m है -1/2, ठीक है। c ले लो, n हमारा 3 है, l हमारा 1 है, m हमारा 0 है, और ठीक है ये s है, s s, ठीक है, ये एम एल एम एल, ठीक है, ये है हमारा मान लो +1, ठीक है, और डी है हमारा नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस, सर, ये होगा ठीक है। क्या आवाज, इतना फास्ट, सही में वैसे आंसर सही है आपका, ठीक है, सभी लोग ट्राई करना, आंसर सही है, ठीक है, चलो क्लियर है ना सबको, है ना। यस। तो वाह क्या बात है, हम लोग खत्म कर दिए क्या, ओह गॉड, खत्म, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, और इसी के साथ हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का द इंट, काफी डिटेल में पढ़ लिया लेकिन फिर भी हम लोग, है ना, ठीक है, फाइन। तो हम लोग 1.5 घंटे में, ग्राफ जो है इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है, तो सर हम लोग ग्राफ जरूर पढ़ेंगे ना, ग्राफ जो है इम्पोर्टेंट है, तो उसको तो देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ग्राफ के बेस पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्राफ पे नहीं, इक्वेशन पे, वो हम लोग जेई एडवांस से पहले पढ़ेंगे, लेकिन ग्राफ पूछा गया है, 1S का पूछा गया है, 2P का पूछा गया है, ये हम लोग देखेंगे ना। ग्राफ आपका 10-15 मिनट का है, बस ज़्यादा नहीं, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा उसी दिन, हाँ, बायोमोल इसका कराऊंगा, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। सोच रहा हूँ ये संडे को ही कोशिश करेंगे ना, ठीक केमिस्ट्री इन है। एवरीडे लाइफ सर, ठीक है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। सर सर अभी